दिमाग खराब है, बदतमीज औरत। तुम भी कह रही हो अनीशा को, तुम होश में हो? मैं तो होश में हूँ लेकिन वो होश में नहीं है, जो मुंह में आता कह देती है। और घर छोड़ने का जैसे शौक है। और तुम्हें तुम्हें पता है उसमें क्या इल्जाम लगा कर गई है? वो इल्जाम नहीं है फरीदा। ओ, इसका मतलब है कि तुम उनको मिलकर नहीं रखना। मेरा नाम मत लेना तुम, मैं अरीशा नहीं हूँ कि चुपचाप खड़ी तुम्हारी बातें सुनती रहूंगी। अच्छा, सब समझ में आ रहा है। ये साजिश तुम लोगों ने भैया, तुम होश में तो? नहीं फिलहाल, अभी तो मेरी वजह से कुछ मत कहिए प्लीज। अब तो मेरे घर की कसम। तलाल, तलाल तो मुझे मार रही थी। मैंने देखा है वो तुम्हें कितना मार रही थी। अब तुम मेरी आंखों को छुपाने की कोशिश मत करो। मामा, संभाले इसे। मामा, वो झूठ बोल रही है। उसने और अनीशा ने इतने बुरे बुरे इल्जाम लगाए मुझ पे। बस आवाज मत निकाल। पहले इतनी बड़ी कामें टूट चुकी है ना, बस तुम खामोश हो जाओ। शैला, अभी वो उन्होंने फिरोज का रिश्ता तय कर दिया। उसकी शादी और कहीं नहीं हो सकती। कैफी, तुमने सुना नहीं कि शादी तय हो चुकी है? मामा, अगर ऐसा होगा ना तो मैं जान दे दूंगा। इसे रोको कुलसुम, रोको इसे। मामा, भी जान देना इतना आसान नहीं है। मामा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ है? क्या बात है? मुझे फरिया ने थप्पड़ मार रहा है। नहीं मामा, अब आप मुझे वहां जाने के लिए नहीं कहेंगे। मैं ये फैसला कर आई कि मैं इमरान को वहां से अलग करके ही रहूंगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो लोग इमरान को वहां से निकलने क्यों नहीं देते। कारोबार और जायदाद में उसका हिस्सा जो है, मांग लेगा तो देना पड़ेगा ना उन्हें। अरे बाबा, पहले वो कुछ मांगने और अलग होने का सोचे तो सही, तभी तो कुछ होगा ना। इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। ठीक ही कहती थी हमारी दोनों। मामा प्लीज, मेरे में हिम्मत नहीं कि मैं आपकी माँ के कह रहे मुहावरे सुनूं। आप इमरान को फोन करें ना। बावली हो गई हो, मैं क्यों करूंगी? तुम क्यों बात नहीं करती? तुम्हें किस चीज का डर है? भाई पूछे तो कह देना कि तुम्हारी अम्मा ने निकाल दिया। ठीक है, मेरा नंबर देके फोन भी नहीं उठा रहा वो। और उस पर तुम्हारे इरादे इतने खतरनाक हैं, कैसे अलग करूंगी उसे? उसको तो अलग करके ही रहूंगी मैं मामा। जी भाई। हाय इमरान, क्या हाल है? सब ठीक है ना? कैसा रहा मीटिंग? तो कामयाब हुई। वेरी गुड। वापसी कब है? वापसी का अभी कुछ नहीं कह सकते भाई,
हो सकता है कल आ जाऊं, हो सकता है कुछ देर भी हो जाए। घर पे तो सब खैरियत है ना? हाँ यहाँ तो सब खैरियत है। मैंने घर पे फोन किया था, भाभी से तो बात हो गई थी, अरीशा से बात नहीं हो सकी। वो शायद बाजार गई होगी। असल में आज उसका फोन आया था तो मैं मीटिंग में था, बात नहीं हो सकी, कहीं बिगड़ी भी ना हो। अरे यार बीवियों का कैसा बिगड़ना, वैसे तुम मोबाइल पे बात कर लो। मैंने फोन किया था मोबाइल पे, फोन बंद था। खैर कोई बात नहीं है, आप बता दीजिएगा उसे। ठीक ओके अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। सब ठीक नहीं है, क्या किया है मेरी औलाद ने कि सब उसके पीछे पड़ गए हैं। तो कैफी परेशान है, शैला की बेइज्जती हो रही है, इमरान की बीवी घर छोड़कर चली गई है। तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम सबसे पूछ सको कि मामा मामा अरीशा झूठ बोलती है। तुमने हमेशा उसे झुठलाने की कोशिश की है, क्या शैला भी झूठ बोल रही है? मामा मामा शैला बहुत जज्बाती लड़की है, वो कभी किसी चीज की तस्दीक किए बगैर लोगों से झगड़ा करती है। शैला नहीं फरिया, तुम्हें पता है वो कितनी मुंहफट बदतमीज और बदहया लड़की है, सब जानते हैं ये। बहरहाल कामरान, शैला मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसमें ज्यादती और जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। 1% मामा, सिर्फ 1% न्यूट्रल होकर सोचिए, अगर शैला आपकी इकलौती बेटी है तो फरिया भी तो आपकी बेटी ही जैसी है ना। कामरान, खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है, तुम शैला के भाई बनकर तलाल से बात कर सकते हो तो करो, वरना 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 क्या होगा मामा, अब क्या कर लेंगे, उन्हें भी घर से निकाल देंगे या इस हवेली में एक और बार खरीदा देंगे, या फिर शैला का घर भी बर्बाद कर देंगे, बिठा देंगे उसे। फिर क्या करोगी तुम, अरीशे भाभी की तरह इस पूरी हवेली में तमाशा बनाओगी? बल्कि तमाशा तुम ऑलरेडी बना चुकी हो। ये दुख तुम मुझे भी बता सकती थी शैला। तुम्हें क्या बता दी, तुमने तो खुद सब कुछ देखा था ना। मैंने डांट भी था तुम्हारे सामने मुझे दिखाने के लिए। देखो तलाल, मोहब्बतों के सारे हक सिर्फ मैं अदा नहीं करूंगी, तुम्हें भी कुछ हक अदा करने पड़ेंगे। शैला तुम अपने कमरे में चलो। तलाल ये कहीं नहीं जाएगी। हम इसलिए वहां चले गए थे कि सनी हमें बहुत याद आता था, हम उसके बाहर रह नहीं सकते, और फिर दूसरा यहाँ दिलों के बंटवारे हो रहे हैं, इसकी तो हमें कभी आदत ही नहीं थी। तो फिर आप नहर के आगे चले गए थे? हम गए थे, वो जात मियाँ में बहुत समझाते रहे, हवेली में हर शख्स की जुबान पर हमारा ही नाम है, हर शख्स हमें पुकारे था, लेकिन हमें यकीन था कि हम यहाँ हमें कोई नहीं पुकारेगा, इसलिए हम अपने गांव चले गए। सोचा था गांव जाके हम आदि हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो सके, राजू बाबा हम बहन के पास चले जाए, उसको आपकी जरूरत है। हम वहीं से आ रहे हैं, उन्होंने बताया है कि आप बहुत अकेले हैं। हाँ राजू बाबा, वो जो मोहब्बतों का एक हुजूम हमारे चारों तरफ, हम बहुत अकेले हैं, लेकिन ताजू बाबा आप इस अकेलेपन के आदी हो चुके हैं, आप जाएं।
महक के पास जाए और सनी से कहिएगा तुम हमें बहुत याद आते हो। फोन बंद मत करो। अगर तुम मुझसे नहीं मिले तो मैं जान दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम अभी जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो जीते रहो। नहीं लाए अभी, उसकी छुट्टी नहीं हुई थी। ओ, मैं तो भूल ही गया, उसके स्कूल में कोई मुकाबला वगैरह हो रहा है, वो शायद देर से आएगा, तैयारी में रहता हूँ। आप मैं खाना ठीक है, मैं और गाड़ी भेज दूंगा, आप अपन तैयारी करो। नीरज, वो अम्मी जी, वो मुझे कॉलेज जाना है अपनी मार्कशीट लेने। तुम खाना नहीं खाओगी? ओ, वो मैं नाश्ता देर से किया था, मुझे भूख नहीं है। अच्छा, अभी तुम्हारे अब्बू ऑफिस जाएंगे तो तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। वो अमित मैडम, तो 3 बजे आना है, इसलिए मैं थोड़ा देर से जाऊंगी। तो फिर ऐसे करते हैं कि जब अब्बू ऑफिस जाएंगे तो वो गाड़ी भेज देंगे, तुम चले जाना। जी बिल्कुल। शमीम साहब से कोई बात हुई? भाई, उन्होंने तो अभी अपने बेटे की शादी का जिक्र किया था और तुमने उन लोगों से कह दिया कि रिश्ता क्या हो गया। ताकि उनकी आस टूट जाए। महक, तुमने गिरत से पूछा वो कौन लड़का है जिसकी वजह से? नहीं, ना मैं पूछना चाहती हूँ, आप बस शमीम साहब से बात करें। ठीक है, जुनैद अमेरिका से आने वाला है, उसके बाद ही कोई बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन महक, मैं इरज की शादी उसकी पसंद से करना ज्यादा बेहतर समझता हूँ। उसकी पसंद नापसंद की कोई अहमियत नहीं है। बेगम साहिबा, खाना लगा दिया है। अच्छा बाबा, हम आते हैं। हमसे जुदा ना होना, हमसे जुदा ना होना। बात पसंद ना पसंद की नहीं होती है साहब भाई, हमें देख लो, सारी जिंदगी ना पसंदीदा जिंदगी गुजारी है हमने, और तुम्हें कौन सा सुरखाब के पर लगे जो तुम्हारी हर बात पूरी हो जाएगी। सही कहा है किसी ने, खुदा गंजे को नाखून ना दे। ये आप कुछ दिनों से मुझे गंजा गंजा क्यों कहने लगी?
आपकी हर बात में मुझे चपटकी से तासीर मिलती है। हाय हाय, मैं सबके जाऊं, इस बारीकी से इन बातों को महसूस किया होता ना तो ये ताने तुम्हारा मुकद्दर ना बनते। फिर वही ताना। मेरा मुकद्दर तो सिर्फ और सिर्फ आपके तानों से भरा पड़ा है, सिर्फ नौकरी ना मिलने की वजह से। एक बार नौकरी मिल जाए सही, मैं आपका घर भर दूंगा। हाँ, अरे जाओ ना, नौ मन तेल होगा ना राधा ना आजेगी। देखो कितना कह रही हूँ तुम्हें दो दिन से कि चले जा, शमीम के कपड़े दे दो, लेकिन नहीं, तुमसे तो कोई तकरीरें करवा दे, वो ऐसी औरत अब करवा दे। कैसी हो, कैसे रास्ता भूल पड़े भाई? चंद्र खाना, वो आपने कहा था ना बाबा के पास लेके जाएंगे मुझे, बेटा ये बाबा बाबा की जादू वादू से होता कुछ नहीं है, तुम बैठो, छोड़ो तो बैठो। बड़ी आप भी बैठी। अरे आप भी कमाल करती हैं। वो भूल गई फातिमा काला की बहू का किस्सा, मियाँ ने जूते मार के घर से निकाल दिया था, रोटी पीटी आई थी मेरे पास, पानी वाले बाबा के पास लेकर गया, दो हफ्तों के अंदर अंदर मियाँ हाथ बांध कर लेकर गया उसे। वो दिन है और आज का दिन, लड़के ने पलट कर ना माँ की शक्ल देखी है ना बहनों की। प्लीज प्लीज आफ्ताब मामू, मुझे उसके पास ले चले प्लीज। आफ्ताब भाई अभी चले, मेरी बच्ची तो बेचारी हलकान हो गई है। इमरान दो दिन का कहकर गया था, चार दिन हो गए वापस नहीं आया, न फोन करता है ना खैरियत पूछता है। अरे पूछेगा खैरियत, क्यों नहीं पूछेगा वो खैरियत, भूल जाएगा उन सबको वो। बस आप चले मेरे साथ, उठिए उठिए उठिए। आता भाई मैं भी चलूंगी। आप क्या करेगी? मैं सबसे नजर रखूंगी। बड़ी आपस ये देखे मेरे कपड़े ठीक लग रहे, नहीं तो हैदराबाद से ना पांच खड़े हुए नए सूट आए हुए, कहें तो बदल के आ जाओ। नहीं नहीं बिल्कुल, ऐसे अच्छे जो है खड़े हुए, मैं कह रही हूँ पहन लेती हूँ। लड़के का नाम क्या है? इमरान। इमरान, और उसकी माँ का नाम क्या है? लड़के की माँ पे कुछ नहीं करवाना बाबा, कोई गलत अमल ना कर देना। बाबा हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि लड़का बीवी की मुट्ठी में आ जाए। नहीं नहीं बाबा, हम यही बैठेंगे, हम नहीं जाएंगे, और कितना बाहर भेजोगे? तो खामोश बैठो, बाबा को अपना काम करने दो। लड़के की माँ का नाम बताओ। कलसुम नाम है उनका। कलसुम, ये लो इसे समंदर पार करा दो, और उसके हाथों से यानी लड़के के हाथों से ये तावीज समंदर में गिरवा दो। जादू उतर जाएगा और वो तेरा हो जाएगा। बाबा क्या उसमें जादू किया किसी ने? हाँ, एक औरत ने किया है दूसरी औरत के साथ मिलकर। देखा आपने चंदा खाला, ये सब किया था ना मेरी भादर फरिया का है। बाबा बाबा बस मुझे मुझे इमरान वापस वहां से दिला दे प्लीज बाबा। तो 2000 रुपए दे दे। 2000? 2000 किस बात के? 2000 तो मजदूर पूरा महीना काम करके लेता है बाबा। अरे नहीं नहीं, मैं दे। अरे बात तो सुन, अरे तुम्हें खर्चे तो नहीं ना खाला, मुझे अगर अपनी पूरी दौलत देगी भी इमरान को लेना होगा ना वापस, तो मैं जरूर वापस ले लीजिए बाबा। वो वापस आ जाएंगे ना मेरे पास? हाँ, जा इंतजार कर, और ये 7 तावीज आधे घंटे के वक्फे से रात को अंधेरा करके अपने घर की चौखट पर जला देना। इसके बाद 7 चराग जलाकर चौखट को सजाना, वो जरूर आएगा, वो वापिस आएगा, जरूर आएगा। जाओ आएगा, जाओ जाओ। अब क्या चाहते हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मुझसे? क्या बताया? मेरे बताने से क्या होता? तुम तो हिबा से मैं मोहब्बत नहीं करता, तुमसे करता। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि
जान दे रहे। जान दे रहा था, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुमने इनकार कर दिया और तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तो पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी और को चाह नहीं सकता। खैर, हम पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं? तुम अंकल से बात करो ना, वो मान जाएंगे, और अगर वो ना माने ना, तो मैं जान दे दूंगा। तुम ये जान किस किस पर दोगे? तुम पर, सिर्फ तुम पर। वो तो चली गई है ना अमेरिका, लेकिन नीरज, मैंने उसे साफ साफ बता दिया था, मैंने उसे कह दिया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, उससे नहीं। तुमने उसका भी दिल तोड़ दिया? मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा, वो मुझे खुद छोड़कर गई थी। वो तो ये कहती थी कि मैं बहुत बुजदिल हूं, जिससे प्यार करता हूं उसे बता भी नहीं सकता कि मैं उसे प्यार करता हूं। उसी ने मुझे कहा था कि जाकर सबके सामने कह दूं कि मैं अरज को चाहूं। अरज, आई रियली लाइक यू। तो जी घबरा गया है। जब घर जाने का वक्त करीब आता है ना, दिल पर बोझ सा बढ़ जाता है। खामखा दफ्तर में बैठा रहता हूं। ये मसाइल का हल तो नहीं है कामरान, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? मेरी, हम जो कुछ कर सकते थे कर चुके। देखो ना, आदमी घोड़े को पानी तक तो ले जा सकता है, मगर उसे पानी पिला नहीं सकता, पीना उसे खुद पड़ता है। और अभी तो इमरान के आने के बाद जो हंगामा खड़ा होगा वो बाकी। जब ही मैं घर से निकल आया, मामा से क्या कहा? झूठ बोला कि डॉक्टर के पास जाना। मेरी, पता है बच्चे झूठ कब बोलते हैं? जब बड़े उनके सच को बर्दाश्त नहीं करते। अगर मैं अम्मा भी से ये कहता कि उनके झगड़ों से तंग आकर उस घुटन से निकलकर इस खुली फजा में सांस लेने जा रहे हैं, तो एक और हंगामा खड़ा हो जाएगा। इमरान कब आएगा? मेरे ख्याल में अब तक तो आ ही चुका होगा। चाय बाबू? नहीं, थैंक यू। आप बेगम, यहां जो सब कुछ हो रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। जो कुछ तुम और तुम्हारे बच्चे कर रहे हैं, वो तुम्हारी समझ में नहीं आती? इतनी ना समझ कब से हो गई है तुम? नहीं आप बेगम, मैं इतनी समझदार जरूर हूं कि झूठ को आसानी से परख सकूं। परीक्षा तो खैर गैर है, लेकिन फरिया पर इल्जाम लगाने से पहले आपको और शैला को इस हवेली की अजमत का जरा ख्याल नहीं आया? यहां रहने वाले सारे बच्चे एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, वो तुम इस हवेली की बेजान दीवारें भी जानती हैं आपा बेगम। इसी बात का तो हमें दुख है कि जब बच्चे बच्चे थे तो उन्हें इस खानदान का लिहाज था, इस खानदान की इज्जत करते थे, लेकिन जब से बड़े हुए हैं आप इसे बाहर। खुदा की कसम ये झूठ है, आपकी कसम नानो भी, मामा की कसम। बस करो, कुछ करो। फरिया अच्छे बच्चे कसम नहीं खाया करते। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते नानो भी? आपको रोक ले, मामा को रोक ले, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा। कहाँ है आमना? काका जान के पास गई है। चलो।
मुझे वापस आना बहुत जरूरी है मेरा। तो मैंने कब कहा कि मुझे सारी जिंदगी इस्लामाबाद में रहना है? अरीशा, मैंने कहा ना मैं काम से जा रहा हूँ, और इस घर के हालात ऐसे हैं। इस घर के हालात अब सुधरने वाले नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा खराब हो जाएंगे। क्यों, यहाँ के लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं, अजियत देते हैं क्या? ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। कुलसुम, क्या अब हम इस हवेली में सिर्फ शक्तिर बन रह गए? कोई हमारी बात नहीं सुनता, या तुम्हारे कानों तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही? क्या हो गया है तुम लोगों को? दरगुजर तुम्हारी तबीयत में नहीं था? अम्मा भी कुछ बातें दरगुजर करने की नहीं होती हैं। मैं अगर शैला को भेज भी दूं और वो आमना और सलाल से माफी भी मांग ले तो इमरान का क्या होगा? उसकी बीवी ने तो साफ साफ कह दिया है कि इस घर में वापस नहीं आएगी। कब तक? उस वक्त तक जब तक फरिया इस घर में है। ठीक है मां, हम फरिया को लेकर इस घर से चले जाते हैं। अपनी माँ से पूछो। मामा क्या बात हुई है, बताए ना हुआ क्या है? और ताजू बाबा कह रहे थे कि वो आपके रिश्ते के लिए आए हैं। मम्मी आपको नीचे बुला रही हैं। अब्बू कहाँ है? अब्बू कमरे में तैयार हो रहे हैं। आपी, अरे जी। हाँ बेटा, को क्या बात? बुजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बेटा, मैं भी जानना चाहता था। आप जानता हूँ कि ऐसी बातें हमारे यहाँ बेटियों से नहीं की जाती हैं, मगर तुम अपनी माँ को बता देना कि मैं तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक करना चाहता हूँ। लड़का अच्छा है तो भी। लड़का तो अच्छा है, मगर मैं कैफी से शादी करना चाहती हूँ।
नहीं जानती उसे, उसकी बात बढ़ाने की आदत है। इससे पहले भी उसने ऐसे ही करने की कोशिश की थी, मगर मैंने उससे कहा था कि अगर तुमने ऐसी बात मुझसे निकाली तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। बांस थी तो बांस बनी है ना इमरान, मैं अच्छी तरह जानती हूँ फरिया बहुत बदलाव रखी। नहीं मामा प्लीज, आप फरिया को ऐसा इल्जाम ना दें, ना तो फरिया ऐसी बात सोच सकती है ना ही मैं। आपको मुझ पर एतबार नहीं है, आप सिर्फ परीक्षा के कहने के ऊपर फरिया को ऐसी बात कह रही हैं। तो फिर तुमने उससे शादी की थी? मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद ये नतीजा निकलेगा। पर अगर अलीशा झूठ बोल भी रही है तो इसका मतलब ये कब है कि फरिया शेरा पर हाथ उठाए? मुझे तो ये बात भी झूठ लगती है। तो क्या शेरा झूठ बोल रही है? मुझे नहीं पता मामा, देखिए मैं फरिया से बात किए बगैर अब कुछ नहीं कह सकता। देखिए मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि फरिया पर ऐसा इल्जाम लगाया जाएगा। मैं भी नहीं ऐसा सोच सकती थी, लेकिन शेरा पे हाथ उठाना मेरे यकीन के लिए काफी है। मुझे तो अफसोस इस बात पे हो रहा है कि आपको मुझ पे भी यकीन नहीं आ रहा। अब हम यहां नहीं रहेंगे। आमना ऐसी बात मत कहो जो कर ना सको, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हम कहकर और कर ना पाए तो फंस जाते हैं। देखिए मैं मजाक नहीं कर रही हूं, महक सही कहती है। अब अभी हम जो कर रही हैं वो उनका मजाक नहीं है, इसका मतलब है कि आमना प्लीज, वो भी महक को गलतफहमी है, जिसे दूर करना हमारा तुम्हारा फर्ज है, ना कि इस गलतफहमी को पाड़ना। उन्होंने खुद कहा है कि जब तक फरिया इस हवेली में है अरीशा यहां नहीं आएगी। तो अरीशा हमारी आपकी औलाद नहीं है, उनकी बहू है। मैं इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस हवेली से बाहर भी चार दीवारियां हैं जहां हम इज्जत के साथ रह सकते हैं। इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो? बाबा बात जज्बाती होने वाली है, बाबा सही कह रही है। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे बाबा, आप फिक्र ना करें, मैं बहुत जल्दी में बंदोबस्त कर लूंगा। फिर आपने क्या कहा? फिर मैं उसे क्या कहता, लेकिन इसीलिए मैंने शमीम साहब को भी जवाब नहीं दिया। ये बात कैफी ने वहां सबके सामने खुद कही थी। तो ये बात तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? मुझे मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था, रिच पर तो खामखा इल्जाम लगा है। आप क्या सोचने लगे हैं? सोच रहा हूं कि अब हमें क्या करना चाहिए। वजाहत, मेरी बात का बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं कहो। मोहब्बतें इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ करती, इन बच्चों की बेवकूफियां हैं जिन्होंने अपने मसाइल खड़े कर दिए। इरित और सनी इतने उदास और खामोश रहने लगे हैं कि कभी कभी मुझे उन्हें देख के वहशत सी होने लगती है। मुझे ऐसा लगता है मैं अपने बच्चों के साथ नहीं बल्कि दो सायों के साथ रह रही हूँ। फिर अम्मा भी की तन्हाई। अपनी तन्हाई का जिक्र नहीं करो, वो तो मैंने बर्दाश्त कर ही लिया है, लेकिन खैर तुम परेशान मत हो, हर मसले का हल मौजूद है। लेकिन मैं अब कोई भी फैसला बगैर सोचे समझे नहीं करूंगा। जाओ देखो सनी सो गया है, जा रहा है।
अगर ये झूठ है तो जाके अपनी बीवी को बताओ, और ये भी बता देना कि खानदान के तकद्दस पर हम किसी रिश्ते को अहमियत नहीं देते। और ये बात भी याद रखना कि अरीशा से शादी का फैसला।